मकराना शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाह मैदान सहित शहर की सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वहीं हम आपको बता दें कि ईदगाह मैदान में 7:45 बजे संभल से आए मौलाना मुस्तबा हसन द्वारा ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई गई। इस दौरान उन्होंने तकदीर पेश करते हुए कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत का पैगाम देता है। मुसलमान केवल दो काम कर ले तो एक तो अल्लाह की बंदगी और दूसरा उसके बंदों की खिदमत करने वाला कामयाब हो जाएगा। हर इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी ये जिंदगी हमेशा के लिए है, क्योंकि उसे एक दिन इस दुनिया से फना होना पड़ेगा। मैं तुझे राजी न कर सका, तूने 70 साल मुझे अता फरमाए, मगर मैं फिर भी गफलत में रहा। तूने मुझे इतनी जिंदगी दी, गाड़ियों से नवाजा, तिजारत से नवाजा, फैक्ट्रियों से नवाजा, कारखानों से नवाजा, मान दौलत से नवाजा, औलाद से नवाजा, अच्छी बीवी से। अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, हर हर उस मौके पर मैं हाजिर हूँ जहाँ जहाँ तेरा हुक्म है। अगर तूने फरमाया इस्सलाम, मैं हाजिर हूँ। तूने फरमाया आतुज़्ज़का, मैं हाजिर हूँ। तूने फरमाया इस्सियाम, मैं अपनी खिदमत गुजारी और इबादत गुजारी करने वाले बनो, मैं मौला में हाजिर हूँ। तूने फरमाया पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, मौला में हाजिर हूँ। तेरे हुक्म को पूरा करने के लिए, तेरे फरमान को पूरा करने के लिए, तेरी मर्जी को जानते हुए, तेरी मर्जी को पाने के लिए परवरदिगार में हाजिर हूँ। आज मकराना कस्बे में ईद का त्यौहार मनाया गया, जिस पर नमाज अदा की गई है और यहाँ पर पुलिस के माकूल व्यवस्था की गई है। नमाज अदा हो चुकी है और सभी यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। कस्बे में शांति व्यवस्था कायम है और निगस्त व निगरानी जारी है।